Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to another video. I am Rohit. You are watching the Bombas Shayari Ki Duniya. First of all, extremely sorry because पिछले हफ्ते मैंने कोई वीडियो नहीं दे पाया आप लोग को. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. आई वॉज बिजी सो वीडियो नहीं आ पाया. एंड मेरा पिछले वाला वीडियो बंगाली में था तो मेरा जो हिंदी ऑडियंस है उन्होंने भी उतना समझ नहीं पाया होगा वो वीडियो, इसलिए उस वीडियो का रीच भी उतना नहीं मैंने पाया. तो इट्स ओके. आई होप जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा उन लोगों को पसंद आया होगा. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. और आज की वीडियो ना कोई सोशल मैसेज नहीं है या फिर कोई नॉस्टैल्जिक बातें नहीं होगा. आज की वीडियो कुछ अलग है. अपने मन की बात में मेरी तरह मेरी जबान पे मेरी जो एक टाइप है उस टाइप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ. ये सिर्फ मेरा नहीं है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बॉयज कैन रिलेट इट. सो और तो कुछ कहने का नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. भीड़भाड़ की दुनिया में एक अपना चाहिए. इस मतलबी दुनिया में एक बेमतलबी साथ चाहिए. इस टॉक्सिक दुनिया में एक नॉन टॉक्सिक यार चाहिए. इस शॉर्ट टर्म की जनरेशन में एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड चाहिए. इस फिजिकल लव की जनरेशन में एक हाथ पकड़ने वाली चाहिए. इस होटल रूम में जाने वाली दुनिया में ना एक फैमिली से मिलाने वाली चाहिए. इस टेम्पररी बॉन्ड की जनरेशन में एक परमानेंट बॉन्ड चाहिए. इस हॉटनेस की जनरेशन में एक नेचुरल ब्यूटी चाहिए. इस सिगरेट जलाने वाली दुनिया में एक सिगरेट छुड़ाने वाली चाहिए. इस बॉडी एक्सपोजिंग जनरेशन में दुपट्टा संभलने वाली चाहिए. इस बेवफाई जेनरेशन में एक वफादार चाहिए. इसलिए इस 3.8 बिलियन लड़कियों में एक तुम ही चाहिए. इस दुनिया की 3.8 बिलियन लड़कियों में एक तुम ही चाहिए. इसलिए एक बात कहना है तुमसे, मैं रहूं या ना रहूं पर तुम्हारी वह मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. जिंदगी बहुत बड़ी है, कब कौन आए कब कौन जाए पता नहीं है, पर तुम्हारी वो मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. अगर हम बिछर भी जाए और किसी एक दिन रस्ते में मुलाकात भी हो, तुम्हारी हाथ किसी और के हाथों में भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी वो मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. फर्क नहीं पड़ता उस मुस्कान की वजह कौन है, मैं रहूं या फिर कोई और है, तुम्हारी वो मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. हाँ, नहीं बन पाया तुम्हारी मुस्कान की कॉन्स्टेंट वजह, नहीं बन पाया तुम्हारी मुस्कान की कॉन्स्टेंट वजह, पर तुम्हारी आंसुओं की वजह बनने के पहले ही, तुम्हारी आंसुओं की वजह बनने के पहले ही बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे, ये वादा रहा, क्योंकि तुम्हारी वो मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. तुम तुम्हारी माँ बाप के लाडली हो, तुम तुम्हारी भाई के लिए परी हो, तुम्हारी मुस्कान से उनको खुशियां मिलती है और तुम्हारी खुशियों से उनको सुकून. इसलिए तुम्हारी मुस्कान हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. किसी को
अपनी मुस्कान की वजह मत बना, किसी को अपनी मुस्कान की वजह मत बना, क्योंकि अगर वो चला भी जाए तुम्हारी मुस्कान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तुम्हारी मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। इसलिए किसी को इतना हक मत देना कि वो तुम्हारी मुस्कान आंसू में बदल दे, किसी को इतना हक मत देना कि तुम्हारी मुस्कान आंसुओं में बदल दे, क्योंकि तुम्हारी माँ बाप ने बड़े प्यार से तुम्हें पाला है, बड़े प्यार से तुम्हें बड़ा किया है। किसी को हक नहीं है कि तुम्हारी वो मुस्कान आंसुओं में बदल दे। सो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, ये बड़ा नहीं होगा इस वीडियो, पर इस वीडियो को बनाने की वजह एक ही है, आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स जो यहाँ पर दबा के रखा है। आप लोगों को भी एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं, मेक योर पेन योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपकी पेन वही लिखता है जो आप चाहते हो, आपकी पेन वही लिखता है जो आप यहाँ पर दबा के रखे हो। सो मेक योर पेन योर बेस्ट फ्रेंड। आई होप आप सबने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और आप सभी को इस वीडियो को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं इस चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि बेल बटन अगर नहीं बजाओगे तो मेरे फ्यूचर में जो वीडियो आने वाली हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा तुमको। और हाँ, आप लोग को भी कह रहा हूँ, अगर मेरे बारे में आप लोग जानना चाहते हैं या मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिया हुआ है, यू कैन फॉलो मी देयर। सो लेट्स एंड इट हियर, एंड फॉर एवरी गर्ल्स आउट देयर, तुम्हारी मुस्कान कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि तुम तुम्हारी माँ बाप के लिए लाडली हो, तुम्हारी भाई के लिए तुम परी हो, ये दिमाग में रखना। और एवरी बॉयज आउट देयर, कीप योर गर्ल स्माइलिंग, क्योंकि हम लोग के अनजाने में ही कुछ छोटे छोटे भूल से ना एक रिश्ता टूट जाता है, और जब रिश्ता टूटता है ना तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, हम लोग भी अंदर से टूट जाते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता दूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।